सॉलिड स्टेट के अंदर पीछे हमने डिस्कस किया था कि यूनिट सेल क्या होती है और क्रिस्टलाइटिक क्या होता है, और उसके बेस पे हमने ना 7 यूनिट सेल बनाई थी, ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, इस प्रकार से। और उसके हमने ना मतलब प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल के बेस पर हमने ब्रेविस्टैटिक्स बनाए थे। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, उन्हीं जो हमारे पास अलग अलग जो लैटिक्स है उसके अंदर हम एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं भाई, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन डिफरेंट साइट्स, ठीक है, अलग अलग साइट्स के अंदर हम क्या निकालेंगे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन हमें इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि आगे हम बनाएंगे, जैसे वो हमको दे देगा FCC शॉर्ट फॉर्म के अंदर, BCC, ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा भाई, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना होगा एटम का किसके अंदर, डिफरेंट साइट्स के अंदर। हमने 4 साइट्स बनाई थी, सिंपल, जिसको हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला था, ठीक है, फेस सेंटर, एंड सेंटर और बॉडी सेंटर, ठीक है भाई। तो इसके बेस के ऊपर हम बात बोल करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल की बात कर लेते हैं भाई, एन एटम शेयर्ड बाई 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन सिंपल यूनिट सेल बोल सकते हो आप, या क्या बोल सकते हो आप, प्रीमिटिव यूनिट सेल। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे सिंपल यूनिट सेल के अंदर, तो वहां पर वो ये बात बोलता है कि भाई हमने क्या बनाया था, अगर आपको ध्यान हो, आपने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था और इसको आपने बोला था कि भाई ये है ना एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल लैटिक है। क्यों था ये, क्योंकि यहां पर कॉर्नर पे ना पार्टिकल्स थे, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, और हमने से कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स या क्रिस्टल पार्टिकल्स या हमने लैटिक्स पढ़े थे कि भाई इसके अंदर है ना 8 उगते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है कि इन 8 में से आप किसी भी कॉर्नर का एक पॉइंट उठाइए, मान लीजिए आपने ये पॉइंट उठा लिया, मान मैं इसका नाम देता हूं ए, या बी उठाइए, CDEFGH, कोई भी, इसमें से अगर आप एक पार्टिकल उठाओगे तो वो एक पार्टिकल, क्योंकि उसका एक यूनिट सेल है, क्रिस्टलाइटिक बनेगी, वो एक्स एक्सिस में भी जाएगी, वाई में भी जाएगी, जेड में भी जाएगी, मतलब ऐसी यूनिट सेल उसके अंदर बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आप इसमें से अगर किसी भी एक पार्टिकल को उठाते हो तो वो 8 यूनिट सेल के साथ अटैच होगा, मतलब एक कॉर्नर का पार्टिकल, वो चाहे कोई कौन सा भी हो, इसके अंदर वो एच भी हो सकता है आपका, वो बी भी हो सकता है, वो पी भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए अगर हम मान लेते हैं हमारा जो रूम है, हम क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, अगर हम हमारे रूम के अंदर किसी भी एक कोने की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, मान लीजिए हमने अपर कोने की बात कर ली, मान लीजिए हमारा कोना है भाई, ठीक है, कॉर्नर पे, तो देखिए एक यूनिट सेल इस तरफ बनेगी आपकी, एक उसके इस तरफ बनेगी, दो हो गई ना भाई, और दो इसके इस तरफ अटैच होगी, ठीक है ना। आपके कमरे का रूम है, आप किसी भी एक कॉर्नर को उठाइए, वहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक पीछे की तरफ और एक उसके पीछे की तरफ, तो 4 यहां पर अटैच हो गई। अब 4 इनके ऊपर होगी, ठीक है, अगर वो रूम है उसके ऊपर आप रूम और अप्लाई कर देते हो तो 4 वहां पर हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करोगे सिंपल के अंदर या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, तो कॉर्नर पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा भाई 1/8, यहां पर 8 पार्टिकल से मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात बोल रहा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम, एक एटम की बात कर रहे हम, ठीक है भाई, कि कोई भी एक एटम है, एक कॉर्नर का कोई भी एटम, तो वो 8 पार्टिकल के साथ अटैच होगा। ये मैंने ऊपर लिखा भी भाई कि जो एक एटम है वो 8 के साथ शेयर्ड होगा, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की बजाय मैं पार्टिकल लिख देता हूं, 8 पार्टिकल्स या 8 लैटिक साइट्स, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एटम का कॉर्नर के ऊपर कितना होगा भाई, 1/8। फिर बेटा हमने बात की थी फेस सेंटर्ड की, ठीक है, क्या बात की थी हमने भाई, कि हमारे पास है ना एक फेस सेंटर्ड होगा, ऐसा कुछ बनाया होगा आपने, ठीक है। यहां पर क्या किया था भाई, ये 8 पार्टिकल्स आपके यहां पर थे कॉर्नर पे, और 6 प्रत्येक फेस के सेंटर के अंदर थे भाई, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन
ऑफ एन एटम ऑन फेस। तो टा फेस पे क्या कहता है कि मान लीजिए आपका कोई भी एक फेस है, ठीक है, कोई भी जो आपका फेस है वो दो बार दो से अटैच होगा, दो यूनिट सेल से अटैच होगा, या दो पार्टिकल लिख सकते हो आप, दो यूनिट सेल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए हम बात करते हैं हमारा एक फेस है भाई, ठीक है, इस फेस के सेंटर में मान लीजिए हमारा इस फेस का एक सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। अब ये पार्टिकल इस तरफ भी हो सकता है और ये पार्टिकल उस तरफ भी हो सकता है। मान लीजिए दीवार है, ये इस रूम की भी दीवार होगी और उस रूम की भी दीवार होगी, तो इसका मतलब कितने पार्टिकल अटैच हो सकते हैं, केवल दो पार्टिकल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, 1/2, ठीक है। चाहे आप फेस की बात कीजिए, चाहे आप एंड सेंटर्ड की बात कीजिए, वैसे उसके अंदर डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर आप एंड सेंटर्ड की बात करोगे तो वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या बन रहा है भाई, फेस बन रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रत्येक फेस की बात करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या बताना है कि एक फेस के ऊपर जो पार्टिकल है वो कितने के साथ अटैच होगा, तो वो दो पार्टिकल से या दो यूनिट सेल से मिलके वो क्या होगा, अटैच होगा भाई, ठीक है। आगे आपने डिस्कस किया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, आपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है भाई, क्या कि आठ कॉर्नर के ऊपर है, ठीक है भाई, एक किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारी बॉडी है, कोई सेंटर में पार्टिकल है तो वो सेंटर में ही रहेगा, उसके साथ कोई भी चीज अटैच नहीं हो सकती। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम विद इन बॉडी टूटा, ये कितना हो जाएगा आपका, 1, ठीक है। अब कई बार आपको जब इसके न्यूमेरिकल्स निकालने होते हैं तो टूटा वहां पर कई बार है ना एज सेंटर्ड की बात आ जाती है, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ यहां पर, ठीक है, क्या किसकी बात आ जाती है आपकी, एज सेंटर्ड की बात आ जाती है। मान लीजिए आपकी एक यूनिट सेल है तो टूटा यहां पर है ना चार एज बनते हैं, एक ये बन जाएगा आपका एज, एक ये बन जाएगा, एक बेटा ये बन जाएगा आपका एज, और एक एज आपका ये बन जाएगा, इसका मतलब आपके चार एज बन चुके हैं भाई, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है एज सेंटर, प्रत्येक एज के सेंटर में पार्टिकल, इसका मतलब अगर हम रफली एक पिक्चर ड्रा करते हैं एज सेंटर्ड के ऊपर, कि भाई मान लीजिए हम एज सेंटर के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की बात करते हैं, कॉर्नर होगा तो एज होगा भाई, ठीक है, तो कॉर्नर के पार्टिकल कितने हो गए आपके, 8। अब एज, एक एज आपका ये है भाई, एक पार्टिकल यहां पर हो गया, एक एज आपका ये है सेंटर में, एक पार्टिकल आपका ये हो गया, एक एज आपका ये है, एक ये हो गया भाई, और एक एज आपका ये है, तो ये होगा कितना हो गया, 12, ठीक है। ये अभी आपका न्यूमेरिकल में भी आएगा तब देखना वहां पर। तो ध्यान रखना है कि एज सेंटर के अंदर 12 कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रीब्यूशन की, ठीक है भाई, इसकी बात करते हैं हमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम ऑन एज, ठीक है। अब एज की बात करते हैं भाई, इतना सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए आप एक एज को लगाते हो, इसकी इस तरफ एक रूम हो सकता है, एक इस तरफ हो सकता है, एक पीछे और एक ऊपर, मतलब जो आपने ऊपर वाले लगाए थे वो इसमें नहीं होंगे, क्यों, अगर मान लो आप ऊपर तो एक एज और ऊपर बढ़ जाएगा यहां पर ऐसे कुछ, ठीक है ना, तो एज बढ़ जाएगा, लेकिन हमें तो क्या करना है, एक यूनिट सेल के एज की बात करनी है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। तो आपको ये चार क्वांटिटी याद रखनी है कि अगर आप एक एटम के कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो वो होगा भाई आपका 1/8, अगर आप फेस की बात करते हो वो आपका होगा 1/2, अगर आप बॉडी के अंदर करते हो, ठीक है, तो बेटा वो होगा आपका 1, ठीक है, और अगर आप एज की बात करते हो तो वो होगा आपका 1/4। फिर दोबारा बताना बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि एज सेंटर के अंदर 12 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या 12 पार्टिकल्स हैं, ठीक है भाई। अब हम बेटा इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये तो सिंपल था भाई आपके पास, अब आपको बताना होगा कि आप जब यूनिट सेल बनाते हो, कोई भी यूनिट सेल बनाएंगे, जब हम FCC बनाएंगे या BCC बनाएंगे, तो उसके अंदर हमें पार्टिकल्स की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो भाई क्या है, कैलकुलेशन हो नंबर ऑफ एटम्स
नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो बेटा अभी मैंने पहले बताया था हमारी तीन यूनिट सेल बनती है, सिंपल यूनिट सेल जिसको आप प्रिमिटिव बोलते हो, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसलिए इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं हम FCC। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बन जाएगा होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फिर आपका बनेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है भाई। तो इसको बेटा हम लिखते हैं BCC, वो आपको देगा कि भाई ये एटम BCC में है, ये FCC में है, ठीक है भाई। तो बेटा हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम की। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ लैटिक बोल सकते हैं आप, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं भाई सिंपल के अंदर, 8। डायग्राम के अंदर आपने बनाया भी था, ठीक है, पीछे भी बनाया था, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था भाई, इसके अंदर कितने हो गए आपके पास, 8 हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, अभी आपने पढ़ा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम ऑन कॉर्नर कितना हो गया भाई, 1/8। टोटल पार्टिकल तो 8 है, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया भाई, 1/8। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ एटम 8 × 1/8, तो कितना हो जाएगा भाई, 1। इसका मतलब एक सिंपल यूनिट सेल में हमेशा एक एटम होगा, ठीक है, एक से ज्यादा एटम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको वो एटम भी बोल सकता है, इसको वो पार्टिकल भी बोल सकता है, इसको कॉन्स्टेंट पार्टिकल भी बोल सकता है, कई बार इसको वो स्फीयर भी बोल सकता है कि हाउ मेनी स्फीयर आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है भाई। तो इसको अब मैं लिख भी देता हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल दीजिए इसको, ठीक है बेटा। फिर बात करता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, सिंपल सी बात है भाई, फेस आपने बनाया था अभी, ठीक है, क्या हुआ हम पार्टिकल्स गिन लेते हैं भाई, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ लैटिक्स। तो बेटा पार्टिकल्स कितने थे आपके, 8 कॉर्नर के और 6 अब किसके थे फेस के, टोटल कितने हुए भाई आपके, 14। अब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम ऑन कॉर्नर, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना आया भाई, 1/8। कंट्रीब्यूशन फेस पे कितना हुआ आपका, 1/2, अभी आपने डिस्कस किया था। तो आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, ठीक है भाई, 8 कॉर्नर के, 1/8 किया हो इसका कंट्रीब्यूशन, प्लस 6 फेस के पार्टिकल्स इनटू 1/2, ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, 4। तो आपको ध्यान रखना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपके पास पार्टिकल बोल दे, स्फीयर बोल दे, या वो बोल दे नंबर ऑफ एटम, तो वो कितने होंगे, 4, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा बॉडी सेंटर्ड के अंदर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपने बॉडी सेंटर्ड बना रखा था भाई, अभी बनाया था हमने, भाई 8 आपके कॉर्नर और एक बॉडी के अंदर, तो भाई 8 क्या हो गए कॉर्नर के, और एक आपका किसके पास हो गया भाई, बॉडी के सेंटर के अंदर। कंट्रीब्यूशन ऑन कॉर्नर, कॉर्नर पे कौन कितना हुआ भाई, 1/8, ठीक है। कंट्रीब्यूशन विद इन बॉडी, बॉडी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना हुआ भाई, 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपके पास एटम की संख्या कितनी होती है भाई, 2 होती है। एटम बोल देगा वो, स्फीयर बोल देगा, या कॉन्स्टेंट पार्टिकल कुछ भी बोल दे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल में 1, फेस सेंटर्ड में 4, बॉडी सेंटर्ड में 2। इस चीज का भी ध्यान रखना, वो FCC लिखेगा भाई, सिंपल ही बोलेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है भाई। तो इसके ऊपर अब इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखिए ध्यान से,
ये कहता है भाई कि आपके पास एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड मेड अप ऑफ ए एंड बी पार्टिकल्स इन सीसीपी। ठीक है बेटा, सीसीपी का मतलब क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, या क्यूबिक स्ट्रक्चर में। अब बोलता है इन विच ए एटम, इन विच ए एटम एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड बी एटम, एंड बी एटम आर एटम्स आर एट द फेस सेंटर। ठीक है, ड्राइव फॉर्मूला, आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है भाई, तो देखो जब ये आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो उसको दो तीन बार पढ़ेगा। क्या कहता है कि एक कंपाउंड है भाई, ठीक है, वो ये कंपाउंड है जिसके अंदर दो पार्टिकल है। अगर बेटा हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसके अंदर दो पार्टिकल है, एक ए पार्टिकल और एक बी पार्टिकल है। मान लीजिए मैं एक रफली डायग्राम, कोई जरूरी नहीं कि आप डायग्राम बनाओ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं भाई। उसने ये बात बोल ली है कि आपके पास एक कोई कंपाउंड है, वो क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक सीसीपी बोल दिया, क्यूबिक स्ट्रक्चर में बोल सकता है, इन विच ए एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कि भाई ए जो एटम है ना वो उसके कॉर्नर के ऊपर है। ये होगा भाई आपके पास कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर, कि भाई बी जो एटम है ना वो बेटा फेस के सेंटर में है। ठीक है, समझ में आ गई भाई बात? क्या है, ए तो आपके किसके पास है? कॉर्नर के ऊपर है, और बी आपके किसके पास है? फेस के ऊपर है। ठीक है, तो लोग हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या कहता है भाई, एटम ए प्रेजेंट एट द कॉर्नर, प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो तब कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट कितने हुए आपके? एट, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए ऑन कॉर्नर, आपने पढ़ा है भाई, 1/8 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एटम बी प्रेजेंट, एटम बी प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, ठीक है भाई, बेटा फेस पे कितने हुए आपके? 6, ठीक है, फेस पे कितने हुए आपके? 6। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी ऑन द फेस, ठीक है भाई, तो बेटा फेस के ऊपर कितना हुआ? 1/2, ठीक है भाई। तो हम ए का निकाल लेते हैं पहले भाई, 1/8 वन आ गया, फिर हम बी का निकाल लेते हैं, कितना आ गया भाई? 3। तो हम निकाल लेते हैं ए रेशो बी, ए कितना हुआ भाई? 1, बी कितना हुआ भाई? 3, ठीक है। इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है भाई? ए 1 है और बी कितना है? ए बी 3। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब आप ये बात बोलोगे, अभी हमने बताया था कि फेस का साथ में कंबाइन कर रहे थे, लेकिन बेटा वो यहां पर जो स्टेटमेंट है आपकी वो चेंज हो जाएगी। वैसा एक न्यूमेरिकल मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसके अंदर जैसे मान लीजिए इसने बेटा ये बात बोल दी कि एक कंपाउंड मेड अप ऑफ, एक कंपाउंड मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइज इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर, इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। एटम ए आर प्रेजेंट ऑन द,
अब ध्यान से देखना भाई, एटम ए प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एज वेल एज कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पे क्या देखा था, केवल एटम ए जो है वो केवल कॉर्नर पे है, लेकिन बेटा यहां पर उसने बोल दिया कि जो एटम ए है वो कॉर्नर पे भी है और फेस सेंटर पे भी है, एंड एटम बी प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर्ड एज वेल एज बॉडी सेंटर्ड। ठीक है भाई, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब देखिए एक बार दोनों न्यूमेरिकल्स को देखिए, तो आपको सिर्फ ये जो बात बता रहा है कि ए एटम है और बी एटम वो कहां पर प्रेजेंट करता है, आपको वो बात पकड़नी है। यहां पर देखिए क्या कहता है भाई, एक कंपाउंड है, मान लीजिए मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। भाई ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, उसने क्या बात बोली कि ए एटम जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है भाई, ठीक है भाई, कॉर्नर पे ए एटम प्रेजेंट है, हमने प्रेजेंट कर दिया ए एटम को वहां पर, ठीक है, एज वेल एज और उसके साथ ए एटम ही फेस के सेंटर पे है, ठीक है भाई, ये हो गया आपका, क्या फेस पे भी है और किसके ऊपर प्रेजेंट है भाई, वो कॉर्नर के ऊपर है। अब कहता है एटम बी प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर, कि बी जो एटम है भाई वो एज के सेंटर्ड में है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो एज के सेंटर्ड में है तो वो कॉर्नर के ऊपर भी होगा, ठीक है, एज वेल एज ए बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा भाई। देखो क्या कहता है, एटम ए प्रेजेंट एट द सॉरी प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, तक कॉर्नर पे कितने हो गए आपके एट, और एटम ए ही प्रेजेंट है इसके ऊपर भाई, प्रेजेंट ऑन फेस सेंटर्ड, तो कितना हो गया भाई आपका 6, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए ऑन कॉर्नर एंड फेस, ठीक है भाई, सॉरी कॉर्नर 1/8 और फेस पे कितना है भाई आपका 1/2, तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं हम, तो भाई क्या हुआ 8 1/8 प्लस 6 × 1/2, ठीक है भाई, कितना आ गया 4, मतलब एटम ए के अंदर 4 एलिमेंट्स आए। अब हम बात करते हैं एटम बी की भाई, तो देखो क्या कहता है, एटम बी प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर। अब यहां पर हम गलती करते हैं, अब देखो यहां पे अगर आप डायग्राम के थ्रू देखो तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई 4 एज के ऊपर है, लेकिन मैंने बताया था एज तभी बनेगा जब आपका कॉर्नर बनेगा, तो आपको एज फिगर में ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, जैसे मान लीजिए बी है, ऐसे बी इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहां पर आपके जो एटम है बेटा वो हो गए 12, तो बताया भी था 8 कॉर्नर पे, तो ये बी एज पे तभी आएगा जब कॉर्नर पे आएगा, नहीं तो एज के सेंटर में नहीं आ सकता, 12 हो गया भाई, ठीक है। एटम बी प्रेजेंट विद इन बॉडी, भाई बॉडी के अंदर कितना है, बॉडी का सेंटर में एक ही, आपको पता है इस बात का, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी ऑन एज सेंटर बताया था भाई मैंने, क्या था 1/4, और एटम बी का कॉन्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर कितना हो जाएगा 1, या इसको हम सोल्व कर लेते हैं भाई 12 × 1/4 + 1,
कितना आ गया भाई 4। अब हम क्या कर रहे हैं, ए रेशो बी 4:4, कितना आ गया 1:1। इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या बन गया भाई, ए बी। तो इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको सिंपल यही ध्यान रखना है, आपको उसकी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनानी है भाई कि वो आपको क्या बोल रहा है। अगर वो ऐसे बोल सकता है, कई बार वो ऐसे बोल सकता है, मान लीजिए एटम ए है प्रेजेंट हो गया भाई, वहां से एक एटम मिस हो गया, ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर बोल सकता है। तो 23 के न्यूमेरिकल्स थे, एनसीईआरटी के अंदर दे भी रखे हैं, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा बार ये न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, तो उनको आप वहां से सोल्व कर लेना। बाकी हम इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।